प्यारे बच्चों, आज की सिंधी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत पाठ 11 सर्वनाम का अभ्यास कार्य करेंगे, बुक वर्क करेंगे। आप इस बुक वर्क को, इस अभ्यास कार्य को ध्यान पूर्वक समझिए, देखिए और उसे अपनी व्याकरण बुक में ही निर्धारित स्थान पर, जहाँ इस अभ्यास कार्य को लिखने की जगह है, वहां पर आप इस अभ्यास कार्य को लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बतलाया, हम व्याकरण के अंतर्गत पाठ 11 सर्वनाम का बुक वर्क करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न के अंतर्गत तीन उप प्रश्न हैं या प्रश्नोत्तर भाग है, तो इसे आप मेरे सर्वनाम नामक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए और जाकर सर्वनाम और उसके भेद तथा बाकी भेदों की परिभाषा और उदाहरण आप वहाँ समझ सकते हैं। हम यहाँ दूसरे प्रश्न से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, जो सही है उसके आगे सही का निशान, जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। क है, पुरुषवाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, या गलत है, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ दो भेद दिया हुआ है, गलत है। क है, सर्वनाम के छह भेद होते हैं, सही है। ग, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, या गलत है, उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। और उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या है, जब वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे, वक्ता के लिए जिसका प्रयोग होता है, बोलने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है, वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, सुनने वाले के लिए है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, तो यह गलत है। घ है, तू तुम आप मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है, यह सही है। अंग है, कर्ता के लिए अपनापन दर्शाने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। चौ है, कोई कुछ अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है, यह गलत है। कोई कुछ निश्चयवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वह वे उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ कोई कुछ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, यह गलत है। इसके बाद है प्रश्न तीन, नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उनका भेद लिखना है। यहाँ जो वाक्य दिया गया है उसमें जो शब्द सर्वनाम है उसको रेखांकित करना है, उसका भेद भी लिखना है। मैंने भी साइकिल चलाना सीख लिया है, मैंने सर्वनाम शब्द है रेखांकित करना है और इसके भेद को लिखना है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दीदी ने किससे संगीत सीखा है, किससे या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल विद्यालय में मेरी नई घड़ी कहीं गिर गई, मेरी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो दोनों सर्वनाम हैं या संबंधवाचक सर्वनाम है। अंग है, उन्हें कहाँ जाना है, इसमें दो सर्वनाम है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है चौथा, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। यहाँ कोष्ठक में कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, इनका उचित प्रयोग करना है, जो खाली स्थान है वहाँ उचित सर्वनाम शब्द को लिखना है। क है, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है स्वयं बता दे, पहले में जिसने होगा दूसरे में स्वयं। ख, उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। ग, शायद दरवाजे पर कोई है। घ, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पिताजी उन्हें बुला रहे भी हो सकता है और ख में तुम्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार, यह भी हो सकता है, यहाँ उन्हें तुम्हें भी हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ख में उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है, तो
तो उन्हें यहाँ सही सटीक है और घर में पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, यहाँ तुम्हें जो है वह सटीक है। अंग है माँ ने कुछ कहा पर मैं सुन न सकी, च दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। इसके बाद है प्रश्न 5, नीचे दिए शब्दों में सर्वनाम का जो रूप सही नहीं है यानी जो गलत सर्वनाम शब्द है उस पर गोला लगाना है। मैं का बनेगा मुझे, मुझको, मेरे को गलत है, मेरे को अशुद्ध शब्द है, वह से बनेगा उन्हें, उसे, उनने गलत है, कोई से किसी, किन्नी, कोई से गलत है, तू, तेरे को, तुझे, तूने, इसमें तुझे तूने यह सही है, तेरे को गलत रूप है, यह का रूप इसे और इन्हें सही है, इनने गलत रूप है। यह प्रश्न 6वां देख लीजिए, नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कर कीजिए, यहाँ नीचे अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध करना है। उसके सब कुछ लूट गए, उसके को सुधारना है, उसके की जगह होगा उसका सब कुछ लूट गया। ख हमने कल भोपाल जाना है, हमने गलत है, वहाँ होगा हमें, हमें कल भोपाल जाना है। ग उसका प्राण निकल गए, उसका गलत है, प्राण का, प्राण को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसलिए उसके, उसके प्राण निकल गए। घ तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे को यह गलत प्रयोग है, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ होगा तुम्हें क्या चाहिए। तो इस तरह से बच्चों यह अभ्यास कार्य हमने किया, ये आपके पुस्तक में जो रिक्त स्थान है, जो इसके लिए निर्धारित स्थान है यहाँ पे, इन्हें लिख लीजिए और याद कर लीजिए। धन्यवाद।